देश में अभी अशोक स्तंभ के शेरों की दहाड़ पर विवाद थमा भी नहीं था कि विपक्ष को एक नया लॉलीपॉप थमा दिया गया, मगर सनद रहे अब संसद में किसी ने लॉलीपॉप शब्द का इस्तेमाल किया तो उसे असंसदीय माना जाएगा और सदन की कार्यवाही से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। दरअसल मानसून सत्र से पहले आई शब्दों की ये नई सूची लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही के दौरान लागू होगी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के कई शब्द शामिल किए गए हैं जिनका प्रयोग नए सत्र से वर्जित होगा। वहीं इस फैसले को लेकर विपक्ष हमलावर है। लोकसभा सचिवालय की असंसदीय शब्द 2022 सूची के मुताबिक अब यौन उत्पीड़न, कायर और भ्रष्ट बोलना भी असंसदीय माना जाएगा और इस्तेमाल किए जाने पर ये शब्द लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के पास ऐसे शब्दों और उनसे प्रकट होने वाले भावों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अंतिम अधिकार होगा। कहा गया है कि कुछ शब्द तब तक असंसदीय मालूम नहीं पड़ते जब तक कि संसदीय कार्यवाही के दौरान उनको संबोधन के साथ मिलाकर नहीं देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश के अलावा टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन ने भी अपनी आपत्ति जताई है। बता दें, संसद में वर्जित शब्दों की बात करें तो अहंकार, अपमान, असत्य, बॉबकट, बाल बुद्धि, बेचारा, बहरी सरकार, चेला, चमचा, चमचागिरी, भ्रष्ट, कायर, आपराधिक, घड़ियाली आंसू, दादागिरी, दलाल, दंगा, ढिंडोरा पीटना, गद्दार, घड़ियालू आंसू, गिरगिट, जयचंद, जुमला जीवी, काला बाजारी, काला दिन, खालिस्तानी, खरीद फरोख्त, खून से खेती, नौटंकी, निकम्मा, पिट्ठू, संवेदनहीन, शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, विश्वासघाती, जुमला जीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, काव काव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी, अंट, शंट, अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। संसद से ऐसे शब्दों को हटाने का एक अलग प्रोसेस होता है। संविधान में आर्टिकल 105(2) में ये साफ निर्देश है कि संसद के सदस्यों को इस तरह से आजादी नहीं है कि वे चर्चा के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। लोकसभा में प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि कार्रवाई के दौरान सदस्यों की ओर से प्रयोग होने वाले शब्द असंवेदनशील, अमर्यादित, अपमानजनक या असंसदीय हैं तो वे उन्हें सदन की कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ऐसे असंसदीय शब्दों को हटाने का एक नियम है जिसके बाद इसे हटा दिया जाता है। इन सब के बीच अब ये जानना भी जरूरी है कि शकुनी, जयचंद जैसे असंसदीय शब्दों को रिकॉर्ड से कैसे हटाते हैं। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया एवं आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। वहीं नियम 381 के मुताबिक सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है उसे चिन्हित करने के बाद कार्यवाही में एक नोट इस तरह से डाला जाएगा कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक इसे हटाया गया है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये शब्द लिस्ट कैसे किए गए। तो बता दें कि लोकसभा ने सबसे पहले एक किताब को 1999 में तैयार किया जिसका नाम असंसदीय अभिव्यक्ति रखा गया था। साल 2004 के नए एडिशन में 900 पन्ने थे। इस सूची में कई शब्द और एक्सप्रेशन शामिल थे जिन्हें असंसदीय माना गया है। फिलहाल मानसून सत्र से पहले ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। खैर, आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी इस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।